गाइस मनी इन द बैंक में रोमरिज और सोलो सिकॉ को करना पड़ेगा हार का सामना। आइए देखते हैं आखिर कैसे। उसके बाद गाइस सिथ्रोएल ने बना एक ही महीने में रिकॉर्ड जो कि रोमरिज एक साल में भी नहीं बना पाए। उसके बाद गाइस नेक्स्ट एक फैंस ने किया जॉन सीना कंट्रोल जहां जॉन सीना ने दिया कड़ा जवाब। उसके बाद गाइस मनी इन द बैंक पेपर व्यू इवेंट होने के बाद लॉगन पॉल का किस रेसलर के साथ मैच होना है जो कि होगा सिंगल मैच। उसके बाद फाइनली ट्रिपल एच ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया आखिर किस मैच को जिताना चाहते हैं मनी इन द बैंक में। उसके बाद नेक्स्ट जी उसने आखिर क्या मैसेज दिया रोमरिज को, आखिर किस तरह हराना चाहते हैं रोमरिज को आने वाले मैचेस मनी इन द बैंक में। तो गाइस अब तक क्या न्यूज एंड अपडेट है जानने की इस वीडियो में, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। गाइस आज का पहला अपडेट है रोमरिज के बारे में जहां रोमरिज अपना न्यू साइन इन द कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। गाइस रोमरिज साइन इन द कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं जो कि काफी ज्यादा है पहले से। इस बार का साइन इन द कॉन्ट्रैक्ट जो कि करने जा रहे हैं $100 million में। और गाइस रोमरिज जैसे ही अपने साइन का कॉन्ट्रैक्ट चार्ज बताया 2 मिनट शॉक में रह गए थे विंस मैकमैन। रोमरिज का मानना है कि उन्होंने कंपनी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया इसलिए उनका साइन इन द कॉन्ट्रैक्ट बढ़ना चाहिए इस बार। तो गाइस अभी डील यहां पक्का हुआ नहीं है, अभी विंस मैकमैन इनके विचार पे काफी सोच करेंगे। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट है ट्रिपल एच को लेकर जहां उनसे पूछा गया था कि आपका इस बार मनी इन द बैंक का विनर कौन होने वाला है। जीरो न्यूज के अनुसार बताया गया कि उनका फेवरेट सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि लॉगन पॉल है इस बार मनी इन द बैंक विनर होने में। वैसे गाइस आप यहां देख सकते हैं अपने ट्विटर पे डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी समय से ये पोस्ट कर रहा है कि आप एलए नाइट को जीते हुए देखना चाहेंगे, पर गाइस ट्रिपल एच अपने मुंह से कुछ और ही कह रहे हैं कि इस बार मनी इन द बैंक का विनर लॉगन पॉल ही होने वाले हैं। वैसे गाइस आपको क्या लगता है इस बार का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कौन ले जाने वाला है, एलए नाइट या फिर लॉगन पॉल? वैसे अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इस बार का मनी इन द बैंक विनर एलए नाइट ही होंगे। गाइस इसके पीछे का सीधा सा रीजन है कि एलए नाइट का काफी एज हो चुका है और इनका एज इस समय 42 साल हो चुका है। तो गाइस आप यहां से समझ सकते हैं कि कुछ ही साल बचे हैं एलए नाइट को रिटायर होने में। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है जी उसो की तरफ से जहां जी उसो बोलते हैं कि लेट्स गो इट। इनके कहने का मतलब ये है कि चलो फाइट करते हैं ब्लड लाइन की तरफ से। और गाइस आप इस फोटो में देख सकते हैं जी उसो वीजा पासपोर्ट और अपना बैग लेकर निकल चुके हैं मनी इन द बैंक के लिए। उसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट है कर्ट एंगल के बारे में जहां उन्होंने अपने बेटे के साथ फोटो खींचा और बताया और उन्होंने ये भी बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट सुपरस्टार बनने वाले हैं उनके बेटे। इनके बेटे का नाम है कोडी, फिलहाल वो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आने वाले फ्यूचर में वो रेसलिंग करना चाहते हैं और गाइस इसी वजह से कर्ट एंगल इनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट है जॉन सीना को लेकर जहां ऐसा बताया जा रहा है कि जॉन सीना एक होटल में गए हुए थे और तभी इनके फैंस कुछ अटपटांग क्वेश्चन पूछना चाहते थे, तभी जॉन सीना ने इनसे पूछने का मना कर दिया और जॉन सीना ने बताया कि उनको अपने फैमिली के साथ या फिर अपने फ्रेंड के साथ टाइम बिताने दो। और गाइस यहां से जॉन सीना के फैंस काफी नाराज हो चुके थे इसी वजह से जॉन सीना इस समय काफी चर्चे में है अपने फैंस को लेकर। और गाइस इससे पहले तो जॉन सीना ने ऐसा कभी भी नहीं किया था अपने फैंस के साथ। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है बटिस्टा को लेकर जहां बटिस्टा काफी समय पहले ही हॉल ऑफ फेम हो चुके थे। जब 2021 में इनको हॉल ऑफ फेम कंडक्ट किया गया था उस समय इनको कोविड की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया था और जब 2022 में इनको हॉल ऑफ फेम की वजह से बुलाया गया तो इन्होंने कैंसिल कर दिया किसी पर्सनल इशू की वजह से। 2023 में इनको हॉल ऑफ फेम की तरह से बुलाया जा रहा है तो इनको इस समय मूवी की वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो गाइस अब देखना यू है कि आखिर बटिस्टा का प्रेजेंट होने वाले एज अ हॉल ऑफ फेम। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है रोंडा राउजी को लेकर जहां इनके बारे में बताया जा रहा है कि रोंडा राउजी एनएक्सटी में जा रही हैं अपना टाइटल डिफेंस करने के लिए। गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ऐसा चाहते हैं अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई से रेसलर जाकर एनएक्सटी में फाइट किया जाए तो काफी बूस्ट होगा। और गाइस आपने देखा ही होगा जब सिथ्रोन यहां से जाकर एनएक्सटी में फाइट किए थे तो उस समय काफी बूस्ट मिला था इनको और इसी की वजह से एनएक्सटी के व्यूअरशिप में काफी बढ़ोतरी भी हुआ था। तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई का यही सीधा सा रीजन है एनएक्सटी में ले जाकर फाइट करवाना। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है रैंडी ऑर्टन को लेकर जहां इनके बारे में 99% बताया जा रहा है कि वो मनी इन द बैंक पेपर व्यू इवेंट में प्रेजेंट होने ही वाले हैं। गाइस इनके बारे में इस समय काफी सारे रूमर और स्पेकुलेशन निकल के आ रहा है कि मनी इन द बैंक में आने ही आने वाले हैं रैंडी ऑर्टन और ये मई 2022 से डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऑफ है और काफी समय हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऑफ हुए। गाइस इनका समय आ चुका है, अब रिटर्न करने वाले हैं मनी इन द बैंक में। उसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट है सिथ्रोन को लेकर जहां सिथ्रोन को मिला ओपन चैलेंज इनका नेक्स्ट फ्यूड आखिर कौन होने वाला है। मनी इन द बैंक के बाद इनका अगला मैच होने वाला है टोमासो सेंपा के साथ। वैसे गाइस इनका मैच अगले ही रात को होने वाला था लेकिन पीछे से फिन बैलर आकर अटैक कर दिए थे इसी वजह से इनका मैच कैंसिल हो चुका। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है सिथ्रोन को लेकर जहां इनके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि सिथ्रोन एक ही महीने में काफी सारे टाइटल को डिफेंस कर चुके हैं जो कि 5 या 6 बार से ज्यादा और रोमरिज पूरे साल में 4 से 5 बार ही अपना टाइटल डिफेंस कर पाए हैं। और रोमरिज के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि रोमरिज अपना टाइटल लूज करने से डरते हैं इसीलिए अपना टाइटल डिफेंस नहीं कर रहे हैं किसी रेसलर के साथ। उसके बाद गाइस ब्रे वाइट को लेकर काफी तगड़ी अपडेट जहां इनके बारे में बताया जा रहा है कि ब्रे वाइट रिटर्न करने के बाद डायरेक्ट जजमेंट डे को ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसा इनके बारे में रूमर निकल के आ रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है ब्लड लाइन को लेकर जहां ऐसा बताया जा रहा है रोमरिज और सोलो सिकॉ को काफी तगड़ा हार मिलने वाला है मनी इन द बैंक में। तो गाइस ये 100% कंफर्म है जहां रोमरिज और सोलो सिकॉ काफी तगड़ा ही हारने वाले हैं इस बार, लेकिन यहां ऐसा बताया जा रहा है कि जहां सोलो सिकॉ या फिर पॉल हीमन रोमरिज को धोखा देने ही वाले हैं और धोखा देने के बाद वो अपना टीम ज्वाइन करेंगे जहां जे उसो और जेमी उसो होंगे उनके साथ। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और अगला अपडेट है ब्रायन डेनियल्सन को लेकर। इनके बारे में काफी सैड न्यूज निकल के आ रहा है कि इनका लेग फ्रैक्चर हो चुका है जो कि काफी पूरी तरह से। गाइस आप इस फोटो में देख सकते हैं कि किस तरह इनका बोन टूट ही गया है। इनकी वाइफ है बैरी बीरा, उन्होंने काफी सैड न्यूज सुनाते हुए उन्होंने ये फोटो शेयर किया। तो गाइस नेक्स्ट आज का फाइनल अपडेट है लॉगन पॉल को लेकर जहां इनके बारे में बताया जा रहा है मनी इन द बैंक के बाद इनका सिंगल मैच होगा जो
बाकी होगा रिकेट सेट के साथ। तो गाइस यही था आज का न्यूज एंड अपडेट जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से बात किया। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।